नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीजीआई ऐसे बोबड़े 23 अप्रैल को हुए सेवानिवृत्त, जस्टिस एनवी रमन्ना बने भारत के 48वें न्यायाधीश। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में नहीं पहुंची ऑक्सीजन, 25 मरीजों की मौत। आज है राष्ट्रीय पंचायत दिवस, पीएम मोदी ने किया स्वामित्व योजना का शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। सीजीआई एसए बोबड़े 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। जस्टिस एनवी रमन्ना ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई है। जस्टिस रमन्ना ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीजीआई के रूप में जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। उनका जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पुनवरम गाँव में किसान परिवार में हुआ था। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल के एमडी ने इस बात की पुष्टि की। राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अब उनके पास सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बाकी है। जयपुर गोल्डन अस्पताल के डॉक्टर डी के बालूजा ने बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति केवल आधे घंटे तक चलती है, जहां 200 से ज्यादा लोगों का जीवन दांव पर है। उन्होंने कल रात ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 लोगों को खो दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया। मोदी ने कहा कि पंचायती राज दिवस का यह दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का महत्वपूर्ण अवसर है। ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान, उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और सराहना करने का दिन है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां निर्भया स्क्वाड की नोडल अधिकारी व एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने आमजन को संदेश दिया। उन्होंने कोरोना को लेकर आमजन को समझाइश दी है। चलिए सुनाते हैं आपको डीसीपी सुनीता मीणा का संदेश। एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा, आप सभी से अपील करने आई हूँ कि कोरोना की आ गई है सुनामी, अरे वो असामाजिक तत्वों, छोड़ो अपनी मनमानी। कोरोना ने रूप धरा है बहुत भयानक, मौतें बढ़ गई है अचानक। आप सभी से कहना चाहती हूँ मैं यही कि आप अपना ध्यान रखिए और आपके अपनों का ध्यान रखिए, और इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन की 2 डोज जरूर लगवाइए, साथ ही 2 गज की दूरी भी बनाकर चलिए। वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, और सच है जो करते हैं अपनों से प्यार वो मास्क को नहीं करते इनकार। तो आप अगर अपनों से प्यार करते हैं तो प्लीज मास्क जरूर लगाइए, ताकि हम इस कोरोना की चेन को तोड़ सकें। और इसी कार्य को करने के लिए ही ये जन अनुशासन पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जो कि 3 मई तक चलेगा। उसका मेन उद्देश्य यही है कि जनता में ये जो कोरोना की चेन चल रही है, ये संक्रमण का दौर चल रहा है, इसे तोड़ा जाए। और इसके लिए सरकार अभी तक आपकी मदद कर रही थी, अब जरूरत है आपको सरकार के मदद करने की। इसलिए हम लोगों ने अपनी निर्भया को अब मैदान में उतारा है। निर्भया ने हर थाना क्षेत्र पर, हर नाकाबंदी पॉइंट पर अपना मोर्चा संभाल लिया है। हम लोग हर व्यक्ति को चेक कर रहे हैं, हर बहानेबाज पर हमारी नजर है, और जो भी व्यक्ति इस तरीके की गलत बहानेबाजी बना के अपने घर से निकल रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अतः अपने घरों से, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। हम सैल्यूट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने
जनता के स्वास्थ्य के लिए अपनी दुकानें क्लोज की हुई हैं और अपने घरों में हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम स्वस्थ रखें, हम स्वस्थ रहे और हमारी जनता स्वस्थ रहे। ऐसे लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। साथ ही आप लोगों से पुनः अपील करती हूँ कि आप लोग हमारी मदद करें, इसके लिए घरों में बने रहें। हम लोग आपसे यही कहने आए हैं कि हर व्यक्ति के पास में हमारी वर्दी पहुंचेगी, बस जरूरत है हमें कॉल करने की। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग ये हमारी प्राथमिकताओं पर हैं और इसके लिए हमने कहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप निर्भय रहिए क्योंकि निर्भय आपके साथ है। आपको जरूरत है सिर्फ एक कॉल करने की। आप 100 नंबर या 112 नंबर या फिर 1090 पे कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपको मदद आप तक पहुंचा सकें। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, खास तौर पर जो एकल बुजुर्ग रह रहे हैं, हम उनके लिए सदैव तत्पर हैं क्योंकि हमारा मानना है कि पुराने कमरों में नई चीजें कौन रखता है, अब परिंदों में पानी भरकर कौन रखता है। वास्तव में ये बुजुर्ग ही है हमारे जो संभाले हुए हैं बुजुर्गों की निशानी को, वरना इन दरकती दीवारों को संभाल कर कौन रखता है। तो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, हमारे बुजुर्ग, उन सबके लिए हम लोग तैयार हैं। आप हमें कॉल कीजिए ताकि हम आप तक मेडिकल सुविधा या जो भी व्यवस्था आपको चाहिए आपके घर के बाहर न आते हुए हम लोग आप तक पहुंचा सके। साथ ही हमारी नाकाबंदी पॉइंट्स जो लगातार सुबह से लेकर रात तक चलेंगी, उन पॉइंट्स पे हम लोग तैनात रहेंगे। आप लोग बेवजह बाहर ना निकले, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कानूनी पचड़े में पड़ना पड़ सकता है। आप लोगों से पुनः अपील, घर में रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना की चेन को तोड़ने में हमारी मदद कीजिए। जयपुर पुलिस कल भी आपके साथ थी, जयपुर पुलिस आज भी आपके साथ है और जयपुर पुलिस हमेशा आपके साथ रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। खबर सिरोही से है, जहां जावाल के नवगठित नगरपालिका में शुक्रवार को ईओ भंवरलाल सेन ने पदभार संभाला। इस दौरान नवगठित नगरपालिका अध्यक्ष विक्रम राणा ने ईओ भंवरलाल का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। ईओ सेन द्वारा पदभार संभालने पर उन्होंने बताया कि नवगठित जावाल नगरपालिका की मूलभूत समस्याओं को निजात दिलाना व शहर को साफ सुथरा रखना व सभी को साथ लेकर कार्य करने की पहली प्राथमिकता होगी। इस दौरान अध्यक्ष समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां आज एक अजीबोगरीब बात सामने आई। जब पता चला कि बीकानेर में वेटरनरी हॉस्पिटल में पशुओं के लिए निशुल्क कोई दवा नहीं है, ऐसे में सरकार की आवारा पशुओं के प्रति लापरवाही नजर आई। दरअसल एक कुत्ते को जब कुत्तों ने बुरी तरह घायल कर दिया तो एक समाजसेवी जो सावधान संस्था से जुड़े हैं, वे उस कुत्ते को वेटरनरी हॉस्पिटल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने इलाज शुरू करने के लिए दवाई लिखी जो बाहर से लानी थी और उसकी रेट 900 रुपए थी। समाज सेवी ने तो दवाई ले ली और कुत्ते का इलाज कराया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हर कोई मिडिल क्लास आदमी ऐसी दवा आवारा पशु के लिए खरीद पाएगा। उक्त समाज सेवी तो इस लायक थे कि आवारा कुत्ते के लिए भी 900 रुपए लगा दिए, लेकिन हर किसी की ऐसी स्थिति नहीं होती। यहां सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब से महंगी दवाई अरेंज करना सबके लिए संभव नहीं, तो सवाल उठता है कि सरकार को इन पशुओं के बारे में क्या नहीं सोचना चाहिए। खबर कोटपुतली से है, जहां एसडीएम सुनीता मीणा ने शुक्रवार को पावटा शहर के मुख्य बाजारों का दौरा किया। एडवाइजरी की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जानकारी के अनुसार पावटा पंचायत समिति से बैठक के बाद वापस लौट रही एसडीएम सुनीता मीणा और नायब तहसीलदार राजवीर सिंह यादव पावटा ने घंटाघर चौक के मुख्य बाजारों में खड़े वाहनों की भीड़ को देखकर पुलिस जाब्ते के साथ वाहनों को हटाकर दुकानदारों को भीड़ न करने, समय पर दुकानें बंद करने की बात कही। इस दौरान एसडीएम मीणा ने घंटाघर के पास भीड़ भाड़ होने पर बाजारों में आने वाले लोगों और दुकानदारों से आह्वान किया कि वे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाकर रखें, साथ ही निश्चित दूरी रखें और दुकानों के आगे भीड़ न होने दें। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 23 अप्रैल शाम 3 बजे संगरिया के निकटवर्ती गांव चौटाला में भारतीय किसान यूनियन की अध्यक्ष राकेश टिकैत और किसान नेता युद्धवीर सिंह चौटाला के चौधरी प्रतीप गोदारा के पिता श्री चौधरी राजेंद्र गोदारा जी के स्वर्गवास होने पर शोक जताने पहुंचे। चौटाला के इमली रेस्टोरेंट होटल में प्रेसवार्ता करते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि केंद्र सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान भाइयों को किसान आंदोलन में बढ़ावा देना चाहिए। सारे देश के किसान एकजुट होकर किसान आंदोलन करेंगे, तभी केंद्र सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस लेगी। पिछले 5 महीने से दिल्ली में भूखे प्यासे किसान आंदोलन में लगे हैं, जब तक ये 3 काले कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तब तक किसान आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा।
खबर झालावाड़ से है, जहां शुक्रवार सुबह शहर में मनिहारी, कपड़ा, गारमेंट और जनरल स्टोर की दुकानें संचालित करने पर पुलिस और नगर पालिका ने कार्रवाई कर 5 दुकानों को सीज किया, तो वहीं एक व्यापारी को थानाधिकारी से अभद्रता करने पर गिरफ्तार किया गया। प्रत्येक दुकान पर भीड़ जमा होने पर थानाधिकारी द्वारा 5 दुकानदारों के खिलाफ सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर कार्रवाई कर रही पुलिस प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा। सिंधी कॉम्प्लेक्स में दुकान संचालित कर रहे अनिल कपड़ा गारमेंट्स के रमेश चंद्र उम्र 70 वर्ष ने पुलिस द्वारा दुकान बंद करवाने पर जमकर विरोध किया, साथ ही कोरोना नहीं होने की बात कही। इस पर पुलिस द्वारा समझाइश करने पर वे और उत्तेजित हो गए और थानाधिकारी महावीर सिंह से अभद्रता करते हुए आग लगाने की बात कही। इस पर पुलिस ने व्यापारी को धारा 151 में गिरफ्तार कर थाने भेज दिया। तो वहीं बिना मास्क सामान बेचने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने व बेवजह घूम रहे वाहन चालकों के चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया। पावटा से है, जहां पंचायत समिति सभागार में राज्य मंत्री और कोटपुतली विधायक यादव ने एएसपी, डीएसपी, एसडीएम सहित आलाधिकारी और सरपंचों की कोविड-19 और चिरंजीवी योजना को लेकर बैठक की। राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से राजस्थान में इलाज के खर्च से चिंता मुक्त होगा। चिरंजीवी योजना से जुड़ा हर परिवार ये बात शुक्रवार को पावटा पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक उपखंड स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपुतली जगदीश यादव की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर आयोजित बैठक में हुई। मंत्री राजेंद्र यादव ने कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक बताई। मंत्री ने बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में कहा कि कोरोना संक्रमण से अगर स्वयं और अपनों की रक्षा कर ली और जिंदा रहे तो वे जीवन भर कमाना रहेगा। इस दौरान मंत्री यादव ने मौजूद सरपंचों को अपने क्षेत्र में शादी समारोह और एडवाइजरी की पालना करवाने में सहयोग करने को कहा। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की है। यह योजना लोगों से इलाज के भारी भरकम खर्च और चिंताओं से मुक्त करेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़े। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली राम कुमार कसवा व डीएसपी कोटपुतली दिनेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार इस पर नियंत्रण करने के लगातार कड़े फैसले ले रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए आज यहाँ पावटा पंचायत समिति में सभी सरपंच साहिबान और डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ ज्वाइंट मीटिंग की गई और पूरे अगले 10 दिन के लिए एक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत सभी जो गांव में हमें ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं उनके जांच हो, उनके अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको क्वारंटाइन करें। ये सारे मार्गदर्शन आज हमने मिल बैठ करके सरपंचों के साथ, हमारे पटवारी और सेक्रेटरी वगैरह जो गांव के हैं उनके साथ मिलकर सबने एक अच्छी रणनीति यहां तैयार की है। राज्य सरकार ने जो सरकारी सुविधाएं, जो दैनिक उपभोग की चीज है, रोटी, सब्जी, इनके लिए खोल रखी है, तो क्या इसके साथ शराब खोलना उचित है? अब इन बातों का कि कौन सी खोल रखी है कौन सी नहीं, जब दुकानें खुलती हैं तो सभी खुलती हैं, और इसमें आप जो कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी भी टाइमिंग तय कर दी गई है और कोई बड़ा ऐसा वो इश्यू नहीं है जिसको आप कह रहे हो कि साहब ये उचित है या वो उचित है। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक दूसरे पे, जैसे ऑक्सीजन को लेके, वैक्सीनेशन को लेके एक दूसरे पे आक्षेप लगाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार अपने स्तर से फैसले ले रही है, वस्तु स्थिति हमारे प्रदेश की नहीं देखी गई और उसके ऊपर आज प्रधानमंत्री की और पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी आज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल पत्र भी उनको लिखा, परसों उनसे मेल पे भी बात हुई थी और आज तय होगा कि हमारा जो इसका ऑक्सीजन का जो है निर्धारित जो हमारी डिमांड है वो कहां से पूरी होगी, पहला सवाल। दूसरा, ये सभी का एक है कि भाई वैक्सीनेशन के 3 रेट क्यों? कंपनी केंद्र सरकार को देती है तो 150 रुपए में, स्टेट गवर्नमेंट लेती है तो 400 रुपए में, युवाओं को अगर लगे तो राज्य सरकार संभाले या युवा पैसे दे, 45 साल से ऊपर वालों को आप फ्री लगा रहे हो, तो ये 2 पैरामीटर चलना वो नहीं देता, शोभा नहीं देता, जिसके ऊपर आज विस्तार से सारे मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं आपस में प्रधानमंत्री के साथ। हो सकता है इसमें कोई अच्छे निर्णय निकले,
और ये क्रिटिसाइज का समय नहीं है आरोप प्रत्यारोप का। अपनी परेशानियों को प्रधानमंत्री को बताना, किसी अधिकारी ने अगर हमारे ऑक्सीजन कम किया या किसी वजह से हुआ तो ये आरोप नहीं है, ये तो हमारे को आपस में आज बात करनी है। इसको हल्के में लेकर के कुछ लोगों ने गलत इसको प्रिंट किया। आज मेरे सरपंच मेरे पास हैं, हो सकता किसी गांव में पानी की कोई समस्या है या कोई मान लो वैक्सीनेशन कम बढ़ती हो रही है और किसी वजह से किसी गांव में ज्यादा दे दिया, तो ये गलती सुधारने के लिए अगर कोई सरपंच बयान दे देता तो कोई क्रिटिसाइज नहीं है। और आज तो सबसे बड़ी है कि पहले तो जीवन बचे और उसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलके ही काम करना पड़ेगा, सारी प्राथमिकताओं को छोड़कर, चाहे चुनाव हो चाहे दूसरी कोई विकास की चीजें हो, उनको बंद करके सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस महामारी से कैसे बचे। एक अंतिम सवाल, राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर आम जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, राज्य सरकार ने बहुत पहले निर्णय लिया, 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जो पूरे देश में सबसे पहले निर्णय, उसके बाद 3 तारीख तक फिर हमने ये रात का कर्फ्यू और आवागमन को टाइट किया और रात हमने दोबारा हमारे मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी कठोर निर्णय लेने की बात कही है। जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है, जनता का स्वास्थ्य प्राथमिकता है, बाकी चीजें बाद में आती हैं और हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है इस मामले में। और आपने देखा होगा अभी जो परिवार गरीब हैं, 320 करोड़ रुपया उन्होंने परसों 1,000 रुपया प्रति परिवार उनके खातों में डालने के आदेश कर दिए हैं। हमारे डिपार्टमेंट उसके लिए अगले 4-5 दिन के अंदर उनके खातों में पैसा पहुंचा देंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं सोचता कि कोई मुख्यमंत्री अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?